हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी थोड़ा सा प्रेस करके रखना। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल लारावेल 8 एंड सेट अप ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन लारावेल 8। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको जैम सर्वर को डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल भी कर लेना। उसके बाद कॉम्पोजर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल भी कर लेना है, यहाँ से दे कर लेना। आप लोग को दोनों लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग जैम सर्वर को स्टार्ट करेंगे। पहले तो स्टार्ट मेनू में जाके यहाँ पर टाइप करना है जैम। तो ओपन करना है जैम कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर देखो अपाची MySQL को दोनों को स्टार्ट कर देंगे। ओके, दोनों स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे स्टार्ट हुआ क्या नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। लोकल होस्ट टाइप करना है और यहाँ से देखो स्टार्ट हो गया मेरा, यहाँ पर वर्किंग एप्लीकेशन PHP सब चल रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपोजर को देखेंगे प्रॉपर इंस्टॉल हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर से ओपन करना CMD और CMD यहाँ पर टाइप करना है कंपोजर। ओके, यहाँ पर देखो हो गया, ये भी इंस्टॉल हो गया कंपोजर 2.0.8, ये भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लारावेल को इंस्टॉल करेंगे। तो कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, हम लोग जहाँ पर जैम सर्वर इंस्टॉल किए थे उसी फोल्डर के अंदर जैम, उसके बाद स्टोरेज। चलो देखते हैं इसको। तो दिस पीसी में जाके जाना होगा, यहाँ पर सी ड्राइव जैम फोल्डर पे जाएंगे, उसके अंदर STDOC, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे लारावेल का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग को ओपन करना है CMD। तो यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है CMD। ओके, ओपन हो गया। देखो कौन सा पास से ओपन हुआ, सी ड्राइव जैम STDOC, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली टाइप करना है आपको कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, उसके बाद लारावेल स्लैश, फिर से लारावेल, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नेम। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देते हैं लारा ब्लॉक, ठीक है। ओके, देन एंटर। थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी कंप्लीट हो गया। ओके, देखो एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली। ओके, तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे। पहले तो पहले हमको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, CD प्रोजेक्ट नेम लारावेल। प्रोजेक्ट का नाम हम लोग क्या दिए थे, प्रोजेक्ट का नेम हम लोग क्या दिए थे, लारा ब्लॉक। ओके, देन एंटर। हो गया, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अभी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो टाइप करना है सिंपली PHP आर्टिसन सर्व, देन एंटर। ओके, तो अभी कहाँ पर चल रहा है, http://127 इतने चल रहा है। तो इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद ब्राउजर में जाके इसको सिंपली पेस्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, आ गया ना, पूरा ठीक ठाक चल रहा है ना। ओके, हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेटअप करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ऑफ करते हैं, सर्वर को ऑफ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग पहले ओपन करेंगे कोई भी एक एडिटर में, हम लोग इस पूरा प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कोड एडिटर से ओपन कोड डॉट लिखते हैं और मेरा विजुअल स्टूडियो से ओपन हो जाएगा, मेरा फेवरेट कोड एडिटर है। तो इसको ओपन करते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड आई थिंक ओपनिंग। ओके, ओपन भी हो गया। ओके, ओपन हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ सेटअप करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग PHP MyAdmin में जाना होगा, लोकल होस्ट टाइप करते हैं और यहाँ पर क्लिक करना PHP MyAdmin के बटन के ऊपर, मेनू के ऊपर। खुल जा भाई। ओके, ओपन हो गया। अभी हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नाम देते हैं
लारा लारा हाइफन ब्लॉक, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया और क्रिएट कर लिया, तो मेरा डेटाबेस यहाँ पर अभी क्रिएट हो गया, अभी कुछ नहीं है। अभी हम लोग क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग फिर से विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे और यहाँ पर देखो एक .env फाइल है, इसको ओपन करेंगे .env को, और यहाँ पर देखो db_database, तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है, तो यहाँ पर लारावेल दिया है, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम लोग जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, तो लारा हाइफन ब्लॉक कर दिया, और यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है, तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं। हो गया इसका अभी तक काम खत्म। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेटअप करेंगे, तो इसके लिए हम लोग दो कमांड रन करना होगा, तो क्या क्या कमांड रन करना होगा आप लोग देख लो। तो यहाँ पर सिंपली टाइप करना है कंपोजर रिक्वायर रिक्वायर लारावेल स्लैश जेट स्ट्रीम, तो क्या लिखा, कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लैश देखे जेट स्ट्रीम, ठीक है, तो देन एंटर। होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, जेट स्ट्रीम इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट और एक कमेंट रन करना होगा पीएचपी क्या लिख रहे भाई, जेट पेस्ट पीएचपी आर्टिशन लिखे इंस्टॉल लाइवर, ओके देन एंटर। सॉरी ब्रो, जेट स्ट्रीम भी रन हो गया। अभी यहाँ पर देखो प्लीज एग्जीक्यूट npn इंस्टॉल, उसके बाद इस कमेंट को हम लोग कॉपी करेंगे और इसको रन करेंगे, npn इंस्टॉल npn रन देख। ओके, ये वाला कमेंट भी सक्सेसफुली रन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस टेबल को हम लोग माइग्रेट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग एक बार देख लो डेटाबेस टेबल, वहाँ पर अभी कुछ भी देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा, ठीक है। अभी इसको माइग्रेट करेंगे, तो सिंपली टाइप करना है क्या करना था, php artisan माइग्रेट, ओके php artisan माइग्रेट, एंटर। ओके, देखो माइग्रेट हो गया, टेबल देख लेते एक बार, टेबल भी आ गया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, अभी सिंपल छोटा सा काम है रन करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके आपको टाइप करना है php artisan serp, देन एंटर। ओके, रन हो रहा है, ब्राउजर ओपन करना होगा ना, उसके बाद ही तो रन होगा। देखो पहले तो रन ही हो रहा था, यहाँ पर देखो लॉगिन रजिस्टर आ जाएगा, तो इसको घुमा लेते हैं एक बार। ओके, घुमा लिया, लॉगिन पेज आया 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 आ गया, ओ भाई। उसके बाद रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन भी आ गया, चलो यहाँ पर हम लोग नाम दे देते कोई भी एक, चलो इसको देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, देन रजिस्टर, वाओ डैशबोर्ड मिल गया हम लोग को, उसके अंदर क्या क्या मिलता है देखते हैं, और प्रोफाइल भी मिल गया, पहले नहीं मिलता था, लारावेल इतना अपडेट कर दिया। देखो तो आप लोग यहाँ से प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नेम चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हो, पहले मतलब करना पड़ता था, अभी खुद से ही दे दिया ओपी। चलो काइंड पासवर्ड हम देखते हैं, इसको एक बार चेंज कर देते हैं पासवर्ड को, पासवर्ड को एक बार चेंज करके देखते हैं क्या पासवर्ड था, नहीं बोलेंगे, लेकिन चेंज हो गया मेरा पासवर्ड, देखो ओ भाई सेव्ड, लोडिंग भी नहीं हुआ। चलो लॉग आउट करते हैं फिर से, इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करके देखते हैं।
लॉग इन करते हैं नया पासवर्ड से, देन लॉग इन। ओ हो गया ना, सब कुछ हो गया। ओके, नेम भी एक बार चेंज कर देते हैं। नेम चेंज करते हैं, सेव कर देते हैं। ओके सेव भी हो गया, और देखो यहाँ पर भी हो गया मेरा आशीष राय। ओके लॉग आउट कर दिया। ओके बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।